गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर हमारा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, चैप्टर यूनिट फोर्थ। तो लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज सेट टू बी ए लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम क्वेजी लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। क्वेजी लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर मैंने बताया था कि इसका जो सोल्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है, फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो, वेयर फाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एंड u is a function of x, y, z which is equal to c1, and v is a function of x, y, z equal to c2. These two are independent solutions of the system, yani ki auxiliary equations dx upon p is equal to dy upon q equal to dz upon r. ये सारा हमने previous lecture में किया था। फिर मैंने type 1 start की थी, मैंने कहा था कि जो लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कैसे मिलेगा, हम कोई भी दो फ्रैक्शंस लेंगे एट ए टाइम, पहले कोई दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे इस सिस्टम में से, ऑक्सिलरी इक्वेशंस में से, मान लो फर्स्ट और सेकंड लेकर चले, फिर हम कोई सेकंड और थर्ड लेकर चलेंगे या फर्स्ट और थर्ड लेकर चलेंगे, फिर जब दो फ्रैक्शंस हम लेकर चलेंगे इस सिस्टम में से, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो उन वेरिएबल्स में मिलेंगे जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेकर चला था, डिफरेंशियल्स एक्स और वाई के इन्वॉल्व हो रहे थे, तो हमें जो सॉल्यूशन मिला था, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला था, वो एक्स और वाई वेरिएबल में मिला था जब हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी। अगर जब हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन ली थी उसमें वाई और जेड में मिला था। सो लेट अस ट्राई टू डू वन मोर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप फर्स्ट। सो लेट अस स्टार्ट। वो क्या एग्जांपल है, सॉल्व p tan x प्लस q tan y इज इक्वल टू tan z। तो सॉल्यूशन, तो यहां देखिए, गिवन लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या है, मैं ऐसे कर सकता हूं tan x p प्लस tan y q इज इक्वल टू tan z। अब आप बोलोगे p का जो कोफिशियंट है वो x y z में नहीं है, क्यों नहीं है, इसको अगर मैं y की पावर जीरो कर दूं इंटू z की पावर जीरो कर दूं तो ये tan x x में आ गया, y में आ गया, z में आ गया, तो फंक्शन ऑफ x y z। या x की पावर जीरो कर दूं z की पावर जीरो कर दूं, या x की पावर जीरो कर दूं y की पावर जीरो कर दूं, z तो ऑलरेडी है तो फंक्शन ऑफ x y z बनेगा। सो इट इज ए क्वेजी लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन इट इज अ लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं इसको क्या मानूंगा, फर्स्ट मान के चलूंगा। ओके, सो उसके बाद क्या करते हैं हम, इनकी क्या लेते हैं, इसको पहले जनरल लैग्रेंजियस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग फर्स्ट विद पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वी गेट, तो पी क्या मिलेगा मुझे, यहां पी मिलेगा मुझे स्मॉल पी का कोफिशिएंट टेन एक्स, क्यू मुझे मिल जाएगा स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट टेन वाई, एंड आर मुझे मिल जाएगा यहाँ tan z। तो देयरफॉर इनकी हेल्प से मैं फिर क्या बनाता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बनती है, डी एक्स पॉन कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई पॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड पॉन कैपिटल आर, विच इम्प्लाइज दैट डी एक्स पॉन कैपिटल पी आपके पास है tan x इज इक्वल टू डी वाई पॉन कैपिटल क्यू है आपके पास
tan y इक्वल टू डी जेड पॉइंट कैपिटल आर है आपके पास tan z, इसको मैं सेकंड मानूंगा। फिर वो रूल वन कहता है, टाई फर्स्ट कहती है, कोई भी दो फ्रैक्शंस लो उनको इंटीग्रेट करो, आपको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा और उन वेरिएबल्स में मिलेगा जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो देयरफॉर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन वे गेट, तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपकी डी एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल टू, सेकेंड फ्रैक्शन क्या है डी वाई अपॉन टेन वाई। तो अब मैं ये जो दो फ्रैक्शंस लिए मैं इनको क्या करूंगा, थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल करता हूं, वेरिएबल तो सेपरेबल ही हैं, बस अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहां से अगर देखा जाए इसको एक्सट्रैक्ट करूं मैं, टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो जब वो उसको उल्टा करूंगा रेसिप्रोकल करूंगा तो वो बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, डिनोमिनेटर में है होता है साइन वाई अपॉन कॉस वाई, रेसिप्रोकल होगा तो वो बन जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई और डी वाई बन जाएगा। अब इसको मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो करो उसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई, तो विच इंप्लाइज दैट आपको पता है डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो मेरे पास एक फार्मूला है, अगर कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका मुझे डेरिवेटिव मिलता है न्यूमिनेटर में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बनता है लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो डिनोमिनेटर है फंक्शन का उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो बन जाएगी लॉग ऑफ साइन एक्स, यहां से बन जाएगी साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस वाई होता है तो लॉग ऑफ साइन वाई बन जाएगी और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं वो भी लॉग में ही लूंगा लॉग सी वन, अगर दोनों चीजें लॉग में आ रही हैं तो जो कॉन्स्टेंट की जो शेप है वो भी लॉग के फॉर्म में लेनी चाहिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। तो इसको मैं करूंगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी वन, तो यहां से निकल कर आएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी साइन एक्स अपॉन साइन वाई, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ सी वन, तो यहां से एंटी लॉग लेकर बोथ साइड एंटी लॉग लेकर एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहां से निकल कर आएगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू सी वन। अब देखिए जो रिलेशन आया वो एक्स और वाई में आया, जो हमने फ्रैक्शंस लेगी उसमें डिफरेंशियल एक्स और वाई के ही इन्वॉल्व हो रहे थे और उन्हीं में हमें सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर टू फ्रैक्शंस लेकर चलते हैं, उसमें भी हमें एक रिलेशन मिलेगा, फिर फाइनली हम क्या निकालेंगे जनरल सोल्यूशन निकाल देंगे। ओके, अगर हम यहां से बात करें अब सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन लेकर चलते हैं, ऑल्सो टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन वही है, तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या है डी वाई अपॉन टेन वाई और थर्ड फ्रैक्शन क्या है डी जेड अपॉन टेन जेड, तो यहां से निकल जाएगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई, उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई, तो यहां से निकल के आएगा उल्टा हो जाएगा कॉस जेड अपॉन साइन जेड डी जेड, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा साइन का डेरिवेटिव आपको न्यूमिनेटर में मिल रहा है तो यहां से आ जाएगा लॉग ऑफ साइन वाई, यहां से आ जाएगा लॉग ऑफ साइन जेड और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपने लॉग में लेना है लॉग ऑफ सी टू, तो यहां से क्या निकल कर आएगा यहां से हमें जो क्या मिलेगा यहां से आएगा लॉग ऑफ साइन वाई माइनस ये यहां आ जाएगा लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ साइन जेड विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, ये लग गया फॉर्मूला विच इज इक्वल टू लॉग सी टू, एंटी लॉग लेने से बोथ साइड लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मुझे फाइनली क्या मिलेगा साइन
वाई अपॉन साइन जेड इक्वल टू सी टू, इसको मुझे मानना चाहिए था थर्ड, इसको मुझे कंसिडर करना चाहिए था फोर्थ। देखो वाई और जेड वेरिएबल में आया और जो आपने डिफरेंशियल्स लिए थे वो भी वाई और जेड में ही थे फ्रैक्शंस में। तो ये मेरे पास दो रिलेशन निकल गए, ये सोल्यूशन हो गए, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है और इनको फाइनली हमने एक दो लाइन में कंबाइन करना है, दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन। देयरफॉर आप फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या मिलेगा मुझे, फाइव आप ऐसे करो यू मान लो इसको थर्ड में से, इसको यू मान लो, यू इज इक्वल टू सी वन एंड फोर्थ वाले को कंसिडर कर लो वी लेफ्ट साइड को, तो वेयर करके बता दो यू क्या माना आपने, साइन एक्स अपॉन साइन वाई एंड वी क्या कंसिडर किया था आपने, साइन वाई अपॉन साइन जेड। तो देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा इज वो क्या बनेगा, फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, दैट इज फाई ऑफ यू क्या था आपके पास साइन एक्स अपॉन साइन वाई कॉमा, वी क्या था आपके पास साइन वाई अपॉन साइन जेड इक्वल टू जीरो, वेयर फाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लैग्रेंजियन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थैंक यू फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका टाइप टू पे हम डिस्कस करेंगे। टाइप वन के लिए मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको समझाए, बाकी आप प्रैक्टिस करो और इस पे और बोल्ड बनाओ। हम टाइप सेकंड पे नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसेप्ट के बारे में कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।